तो इनको कुछ होते हैं। ये 60 कनाल के मालिक हैं, MBA किया हुआ है। आप मुझे बहन समझ के मेरा इंटरव्यू करिए। वो एक पंजाबी की मैं कहावत है, कुबे नु लत रास के, मुझे अपनों ने जो ठुकराया ना उसने मेरी बल्कि एक जिंदगी बना दी। इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट कि मुझे एक क्लाउन टाइप वो बना दिया लोगों में कि लोग देखें खुश हो हंसे। छेड़ना तो एक जलालत है लेकिन छेड़े जाने में एक मजा है। अब मुझे इवन कोई 2 लाख सैलरी भी ऑफर करे ना तो आई रिफ्यूज। मैं कहता कि नहीं, मैं इस तरह बेहतर हूँ, कम्फर्टेबल। नई बार डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फाइका राना। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा करेक्टर मौजूद है जिनका नाम नईम कैसर है, लेकिन अब ये नाजुक परी बन चुके हैं, नाजुक हसीना बन चुके हैं। क्या माजरा है और कैसर से नाजुक परी का जो सफ़र है वो किस तरह से तय किया? एक और ख़ास बात बताते चले आपको कि ये 60 कनाल के मालिक हैं, MBA किया हुआ है और जॉब करने के बाद इतनी मुश्किलात काटने के बाद उनको ये ज़िंदगी जो है वो आसान लग रही है। क्यों लग रही है जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा, कैसे हैं आप? I'm fine मैम। मैं जो, अच्छा आपको आप कैसे बोले या कैसी बोले? कैसी बोले, आप मुझे बहन समझ के मेरा इंटरव्यू करिए। अच्छा बताइएगा, नईम से नाजुक हसीना बनने का क्या माजरा है, क्या सफ़र तय करके आए? Interesting story behind it. Strange incident took place in my life which altered my life. मेरे बच्चे एक लाइफ चेंज कर दी कि मैं भाई के साथ रहता था पंजाब सोसाइटी में। हमारे साथ एक मेड भी होती थी, भाई ने उसको पैंट गिफ्ट की, उसको मिसफिट हुई, उसने मुझे आगे फिर गिफ्ट कर दी सब। तो मैंने जब वो पहनी, आई वॉज सो मच अप्रिशिएटेड बाई नेबर्स विच आई हैव Never been appreciated by anyone. के पहले मुझे कोई उस तरह से तारीफ़ नहीं करता, कहते गुड्डू भाई मलंग है, इस तरह से हम साहे भी और रिश्तेदार बुलाते थे। तो मेरे अंदर एक जज्बा आया, इट मोटिवेटेड मी दैट आई शुड कंटिन्यू दिस पेरेंट्स। इस इंसिडेंट के बाद जब भाई ने पेंट ला के दी मेड को, वो आपको फिट आ गई, अच्छी लगी, लोगों ने कहा बड़ी खूबसूरत लग रही है, हसीन लग रही है, तो आपको क्या लगा कि मैं जो है एक मर्द हूँ लेकिन औरत बनना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है? कि देखिए, जब आपको कोई बुलाता ना हो, आपकी कोई वैल्यू ना हो, तो जिस चीज़ से आपकी वैल्यू बनती हो चाहे जिस तरह से भी हो, कि मैंने जब वो और लेडीज़ पेंटें लीं, फिर उनको फोल्ड किया, लोगों ने कहा गुड्डू भाई तो स्टाइलिश होते जा रहे हैं, फिर मैं मेकअप लें, और उसमें मेरे एक सिर्फ ये नहीं कि अपीयरेंस में ही लोग मुझे अप्रिशिएट करना शुरू हो गए, मेरे अंदर एक जो एक चेंज आना शुरू हो गई ना, उसको मैंने क्यों उस तरह से अडॉप्ट किया कि मतलब पहले जो मेरा एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर होता था लेडीज़ के साथ, मतलब किस तरह का बिहेवियर होता कि मतलब किसी को इवन टीज का फजूल सा गंदा मजाक कर, मतलब चिड़ खाना, लड़कियों को बुलाना ना, हाँ कोई मजाक कर देना अजीब सा कि उन्होंने फिर शिकायत करनी। तो मेरे वो चेंज होती गई कि मैं जैसे पहले लड़कियों को देखता था, वो मैं उसको हैबिट मेरी अवॉइड होनी, बल्कि लड़कियां मेरे पास आना शुरू हो गई, कि मेरी लोग सेल्फीज़ लेना शुरू हो गए। कहते जब आपको कोई एक शोहरत मिले, एक चीज़ आपकी ताकत बनती है, यू शुड गो विद इट, इसका आप उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। आपको लगता है जो आपका हुलिया है वो आपकी शोहरत है? जी मैम। और इसके देखें, इस सबसे मुझे अपने पेरेंट्स की भी बात अच्छी क्यों लगती है कि जो काम मैं पहले नहीं कर सकता था, मतलब ये रॉटन एग्स और ये टीजर्स को हैंडल करना, वो इस अपीयरेंस में मतलब ज़्यादा बेटर वे। अच्छा, आपने MBA किया हुआ है, 60 कनाल जगह के आप मालिक हैं, तो कैसे सोचा, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप? मैम ये कि देखें, वो ठीक है, मलकियत मतलब वो सारे बहन भाइयों की थी, अम्मी अबू की डेथ के बाद, मतलब काफ़ी वो उन्होंने सेल भी की लैंड, लेकिन अब उनकी आफ्टर देयर डेथ को वो फिर उसके बाद वो हमारे वो रिकॉर्ड में नहीं रही किसके पोजेशन में है, वो तो एक परसू करना पड़ता है ना, आपको जाना पड़ता है पटवार खाने, पटवारी से निशानदेही करवाएं, जो कुछ वो निकालें फिर फर्द निकलवाएं। तो वो कोई किसी ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली, भाई मेरे ये काम कर सकते थे, उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं ली, उन्होंने कहा कि हम अपना सोर्स ऑफ इनकम ही रखते हैं, हमें क्या कैसर टाउन में हमारे नाम। अच्छा, घर वाले जब आप इस फॉर्म में आए, इस हुलिये में आए, तो घर वालों ने बड़े टॉन्ट किए होने हैं कि हमने रहना नहीं है, निकाल देंगे घर से, ऐसा कोई मामला पेश आया? हाँ है तो सही, कि देखे एक भाई तो बिल्कुल मेरे साथ नहीं रहा, ना मेरे दो भाई हैं ना, एक जो दूसरा भाई है वो कई दफ़ा मेरे साथ रहा है, उसने कई दफ़ा मुझे अलहदा किया, लेकिन फिर मैंने ये वैसे भी ऑब्ज़र्व किया
कि भाई से अलहदा होकर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी और बेहतर जा रही है। कि कहते ना कि कोई चीज़ सूट कर जाती है, वो एक पंजाबी की मैम कहावत है, कुब्बे नू लत रास आ गई, कि मुझे अपनों ने जो ठुकराया ना उसने मेरी बल्कि एक ज़िंदगी बना दी। कि चलो ठीक है, पैसा उन लोगों के पास है, वो अपनी कंफर्टेबल एक लाइफ जिस तरह से भी गुजारे और इतनी वो प्रॉस्पेरिटी से वो भी नहीं गुजरे, मैं जानता हूँ उनको, लेकिन उन पर बहुत लाइबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, देयर लाइफ हैव मैनी टेंशंस which I am not facing. अच्छा, आपने MBA किया हुआ है, तो MBA करने के बाद बैंक में जॉब करनी चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, और सुना है कि आप 1.5 लाख कमा भी रहे थे, तो वो सारा कुछ छोड़ के आप अब रोड्स पे हैं। हम MBA के देखें, मैंने जॉब्स की, अगर मैं मेरी इतनी अच्छी सैलरी होती तो शायद और मैं कहीं सेट होता तो शायद मैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब जैसे आपने बात की ना डेट कि अब मुझे इवन कोई 2 लाख सैलरी भी ऑफर करे ना तो आई रिफ्यूज़। मैं कहता कि नहीं, मैं इस तरह बेहतर हूँ, कम्फर्टेबल हूँ, कि जो मेरी वैल्यू इस तरह से है कि अब मिसाल है मैं वो जॉब कर जाऊँ, किसी बैंक में लग जाऊँ, को नेक्स्ट फर्स्ट के मैं मैनेजर भी हूँ, तो आपने इस हैसियत से तो मेरा इंटरव्यू नहीं लेना, ना मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, ना मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, MPMNA हूँ, किसी हैसियत से तो फिर आपने मुझे कॉल तो नहीं ना करना। इस तरह तो एक मेरी वैल्यू है ना कि एक ट्रांसजेंडर है, इसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है, और ये इसका एक स्टाइल आप देखें, ये नाजुक परी है, कहते कोई आप में कोई चीज़ हो तो फिर भी मीडिया आपको कवर करता है ना कि कोई समथिंग न्यू कोई दिखाते हैं। वैसे ठीक है, आप लोगों का काम है कि किसी इशू पे आप कॉमन पीपल को भी इनवाइट करते हैं, लेकिन उनकी उस तरह से स्टोरीज नहीं लेते। ठीक हो गया। अच्छा, ना तो लड़कियां ऐसा मेकअप करती हैं, ना ही ट्रांसजेंडर ऐसा मेकअप करते हैं, आपने मेकअप कहाँ से सीखा? मैम कहते हैं ना कि ये तो ग्रेस ऑफ अल्लाह के, अल्लाह की शान है कि उसने मुझे एक यूनिकनेस एक प्रोवाइड कर दी, कि मेरा कलादा एक स्टाइल बना दिया है, कि मुझे एक क्लाउन टाइप वो बना दिया लोगों में, कि लोग देखें खुश हो, हंसे, या कोई टॉन्ट करता है कुछ भी इस तरह से। आपको नहीं लगता अल्लाह ताला ने आपको एक मर्द पैदा किया था, तो आप अपना जेंडर चेंज करके इस हालत में आ गए हैं, तो ये अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होंगे? नहीं मैम, बात यह कि हम में से कोई मज़हब के बारे में कुछ जानता नहीं, कि अल्लाह को शायद ये लोग ज़्यादा बेहतर लगते हैं ट्रांसजेंडर। वैसे भी लोग कहते हैं ना, अब ये ट्रांस लोग जैसे कई जगहों पे मेरी लड़ाई होती है, कोई लड़के तंग करते हैं ना तो उन्हें समझदार बंदे समझाते हैं, कोई पागलो मत छेड़ो इसे, अल्लाह वाला बंदा, इसकी बदुआ लगेगी। दूसरी बात है कि इसका मुझे ना बड़ा एक लीगल बेनिफिट भी है, कि मैं किसी के साथ अगर मारपीट भी करता हूँ तो मुझे उसकी ना कुछ लीगल, मतलब वो कह लें वो मेरे साथ रिलैक्सेशन भी होगी, सेफ्टी होगी, कि मतलब मुझे लॉ उस तरह से हार्श ट्रीट नहीं करेगा, मतलब पुलिस मेरे साथ कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट बिहेवियर रखेगी और जुडिशरी मेरे साथ सॉफ्ट। अच्छा, ये क्यों रखा हुआ आपने? कि मैम ये एक डराने के लिए, टू हैंडल द टीजर्स, टू मेक देम फ्राइटन्स। जिस तरह आप पहले लड़कियों को तंग करते थे, छेड़ते थे, अब आपको भी लोग वैसे तंग करते होंगे? हाँ मैम देखें, लेकिन वो फ़र्क है कि देखें, कहते हैं छेड़ना तो एक जलालत है, लेकिन छेड़े जाने में एक मज़ा है कि आपकी वैल्यू होती है, कि आपको आप में कोई ऐसी कशिश है कि लोग अपनी सारी एक्टिविटीज़ को क्विट करके आपकी तरफ फोकस करते हैं। अच्छा नाज़रीन, मज़े की बात आपको बताते चलें कि इनमें एक सेंसर लगा हुआ है, इनको टच करें ना तो इनको कुछ होता है। और हमारे साथ आज नई मौजूद थे, जो कि अब नाजुक हसीना बन चुकी हैं, नाजुक अली बन चुके हैं, और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, कहते हैं पहले वाली ज़िंदगी जो थी वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी, ये अच्छी है। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।